गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड स्पेशली दो स्टूडेंट्स वो हैव ऑप्टेड एमएससी स्पेशलाइजेशन पेपर एज एंटामोलॉजी कल के व्याख्यान में मैंने इंट्रोडक्ट्री चैप्टर uh, जो है वो स्टार्ट किया था जिसमें एंटोमोलॉजी क्लास इंसेक्टा का सर्वे था तो क्लास इंसेक्टा के जैसे दो सब क्लासेज इसमें आती है एपटेरिकोटा और टेरिकोटा एपटेरिकोट में वो इंसेक्ट शामिल हैं जो पंख विहीन होते हैं विच आर विंगलेस और इसकी जो सेकेंड जो ग्रुप है टेरिकोट्स, टेरिकोट्स में भी दो डिवीजन आएंगे आगे चल के एक्जोटेरिकोट और एंडोटेरिकोट तो टेरिकोटा का फर्स्ट पार्ट जो है एक्जो ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा एग्जो टेरिकोटा सर्वे ऑफ क्लास इंसेक्टा टेरिकोटा और टेरिकोटा में भी एक्सो टेरिकोटा हा एक्जो से टेरिकोट जो होता है ये मेटाबोला के नाम से भी जाने जाते हैं मेटामोरफोसिस के आधार पे और टेरिगोटा का ये फर्स्ट जो ग्रुप है एग्जो इसके अंदर कुल 18 ऑर्डर है वो सम्मिलित है इन ऑर्डर के मैं क्रम से जैसे नाम आपसे शेयर करूंगा ओटोनेटा एफिमीरोप्टेरा लीकोप्टेरा, एंबाइडीना एसमीडा, ओर्थोप्टेरा डर्मेप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया आइसोप्टेरा, ब्लेटेरिया, मेंटोडिया, जोरोप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफेगा एनोप्ल्यूरा थाइसेनोप्टेरा एमिप्टेरा और होमोप्टेरा हाँ, अब चूँकि जनरल क्लासिफिकेशन है ये केवल ऑर्डर तक ही है इसमें डिटेल आपके कोर्स में नहीं है फर्स्ट यूनिट में इसमें आ, सब ऑर्डर्स फैमिली तक इसमें नहीं है सेकेंड यूनिट में कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर हैं करीब सात आठ जिनका क्लासिफिकेशन फैमिली तक आपके कोर्स में है तो इस व्याख्यान में मैं केवल ऑर्डर के, के सामान्य लक्षण और Uh, उनके एग्जाम्पल्स विथ फोटोग्राफ्स में आपसे शेयर करूंगा uh, ये पहला ऑर्डर है ओडोनेटा uh, ओडोनेटा के अंदर uh, मेनली ड्रैगन फ्लाई और डैमसन फ्लाई जो है वो इसके अंदर uh, सम्मिलित है बॉडी uh, मध्यम से बड़े आकार की होती है मीडियम टू लार्ज इलोंगेट होते हैं माउथ चिविंग टाइप के हैं लार्वा में प्रीहेन्साइल लेबियम भी पाया जाता है आईज एंड ओसेलाई लार्ज कंपाउंड आई एंड थ्री डोर्सल ओसेलाई प्रेजेंट एंटीना ब्रिसल लाइक होती है विंग्स दो जोड़ी है जो कि मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं नेट लाइक होते हैं और इनके पंखों में क्या होगी पिगमेंट सेल्स पाई जाएगी पंख है वो जाली किसमन है और उसमें इसका जो एंटीरियर कॉस्टल मार्जिन जो होता है कॉस्टल मार्जिन में कुछ सेल में पिगमेंट्स पाए जाएंगे जो ड्रैगन फ्लाई की विशेषता होती है द नोडस नियर द मिडिल ऑफ द लीडिंग एज ऑफ ईस्वी लेग्स आर एडेप्टेड फॉर प्रे कैप्चर टारसाई थ्री सेगमेंटेड एबडोम इलोंगेट मेल विथ गोनोफोर ऑन नाइन्थ सेगमेंट

इनके कोशिका में आप देख रहे हो पिगमेंट है है तो ये पिगमेंट है ये इनकी कैरेक्टर फीचर्स होती है ये ड्रैगन फ्लाई का फिगर है ये इधर डैमसन फ्लाई का फिगर है सेकेंड ऑर्डर मीरोप्टेरा इसके अंदर मे फ्लाई है उनको सम्मिलित किया गया है बॉडी स्मॉल टू मीडियम साइज फ्रेजाइल एंड सॉफ्ट बॉडीड माउथ पार्ट्स सिविंग टाइप बट वेस्टिजियल इन अडल्ट Eyes and ocelli, compound eye present, dorsal ocelli 3 in number, antenna short and cetaceous type, wings 2 pairs, membranous, forewing larger than hind wing, some have only mesothoracic wing, which are vertical at rest. थ्री टू फाइव सेगमेंट एट टार्टी टू फाइव सेगमेंट एट एबन इन बाइलेक्ट्रल वेंटिलेटरी गिल्स ऑन फर्स्ट फोर टू सेवन सेगमेंट प्रजेंट इन अडल्ट पेयर ऑफ लॉन्ग फिलाेंट सर सम विथ एडिशनल कॉडल फिलामेंट लार्वी विथ क्लोज ट्रैकअल सिस्टम एंड अडल्ट इज प्रोवाइडेड विथ ओपन ट्रैकअल सिस्टम ये फिगर आप देख रहे हो ये मेफ्लाई के है मे फ्लाई के पंख है ये भी जालीदार होते हैं ड्रैगन फ्लाई की तरह लेकिन इनके पंखों में यहां पर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं ये इनके डिमार्केशन का एक तरीका है थर्ड ऑर्डर इज प्लीकोप्टेरा इस ऑर्डर में स्टोन फ्लाई जो है उनको सम्मिलित किया गया है बॉडी इज स्मॉल टू मीडियम सॉफ्ट बॉडीड इलांगेट फ्लैटेंट बॉडी नियरली पैरल साइडेड माउथ पार्ड्स चीविंग टाइप इन निम्व बट इन अडल्ट दीज आर वेस्टिजियल आईज एंड ओसिलई कम आई डेवलप्ड थ्री डोरसल ओसिलाई बट रेयरली टू कभी कभी इसमें दो ओसिलाई भी हो सकती है एंटीना लॉन्ग एंड टेपरिंग टाइप एंटी लंबी लंबी होती है नुकीरी होती है विंग्स टू पेयर्स मेबर मेल ऑफ सम स्पीसीज एप्टेरस कुछ नर्स सदस्य है वो uh, पंख विहीन भी होते हैं ब्रेक ब्रेक टेरस का अर्थ है कि पंख जो है छोटे आकार के होते हैं फोल्डेड इन लाइक जिस तरह पटली होती है प्लीटेड लाइक तो विश्राम के समय पश्च जोड़ी जो पंख है वो uh, प्लीट के समरचनाओं में सिमट uh, जाते हैं लेग्स हैविंग थ्री सेगमेंटेड ट्रसाई एबडोम में अविपोस्टर एबसेंट होता है मैनी सेगमेंटेड सरसाई होती है थ क्लोज ट्रैकल सिस्टम गिल्स यूजली ऑन मैंटर ऑफ थॉर एक्स बट समाइम्स ऑन अदर पार्ट ऑफ बॉडी अडल्ट में ओपन ट्रैकल सिस्टम पाया जाता है ये जो फिगर है यह स्टोन फ्लाई का फिगर है नेक्स्ट ऑर्डर इज एम्बाईडीना एम्बाइडीना में वेब स्पिनर्स जो है uh, उनको इंक्लूड किया गया है बॉडी इज माइन्यूट टू स्मॉल ब्राउन टू येलोविश इन कलर एंड इलोंगेट माउथ पार्ट चिविंग प्रकार के होते हैं कंपाउंड वेल डेवलप्ड होती है डोरसल ऑसिलई एब है एंटीना फिलीफॉन प्रकार की है यानी फिला जिसमें सोलह से बत्तीस सेगमेंट्स पाए जाते हैं uh, लेकिन ऑन्टीना बॉडी की तुलना में छोटी होती है शोर्टर देन बॉडी विंग्स मेल इन सम्पीसीज विथ टू पेयर ऑफिंग उस नर सदस्यों में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं हाइडविंग जनरली स्मॉलर फर्स्ट जोड़ी पंख है छोटे होते हैं स्मोकी इन अपियरेंस धुएं के जैसे कलर के होते हैं आ, कवर्ड फाइन पंखों पर रोम विदृश्य रचनाएं पाई जाती है जिनको सीटी के नाम से जाना जाता है लेग्स शॉर्ट टांगे छोटी होती है फोर लेग बेसल सेगमेंट कंटेन सिल्क प्रोड्यूसिंग लें अग्र जोड़ी जो टांगे हैं उनके बैसल पार्ट में यानी कॉक्सा के निकट सिल्क ग्लैंड्स पाई जाती है टारसाई विथ थ्री सेगमेंटेड हाइंड फीमर है वो मोटी होती है पेक्सक्र एबडोमन पेयर ऑफ वन और टू सेगमेंट सरसाई प्रजेंट इन मेल दीज आर एसमेट्रिकल एंड अनिकल सीन साइज नर में सरसाई जो होती है वो एसमान होती है और आकार में भी छोटी बड़ी होती है ये जो फिगर आप देख रहे हो वेब स्पिनर का फिगर है इनको नाम इसलिए दिया वेब स्पिनर यानी जाला बनाने वाली क्योंकि इनकी टांगों में सिल्क लेंट है और सिल्क से ये जाले का जो है वो निर्माण करती है नेक्स्ट ऑर्डर इज फेस्मिडा फेस्मिडा में स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट्स को शामिल किया गया है इट्स बॉडी इज लार्ज इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल प्रोथोरेक्स छोटा होता है मीजो और मेटाथोरक्स लंबे होते हैं और पत्तियों के समान इसमें मीमिक्री पाई जाती है अब जैसे माली पीपल के पत्ते पर लीफ इंसेक्ट बैठा हो तो जब तक उसमें मोमेंट नहीं हो अपने को पता ही नहीं चलता है कि इसमें कोई इंसेक्ट बैठा है क्या तो मिमिक्री इसमें पाई जाती है माउथ पार्ट से मैंडीबुलेट टाइप आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड सम है और फॉर्म फॉर्म करते हैं माला के मणिये जो होते हैं माला के अंदर मणिये होते हैं उस तरह इसके सेगमेंट होते हैं तो उस तरह की एंटीना जो होती है फॉर्म एंटीना कहलाती है इसकी एंटीना की लंबाई जो है वो वेरिएबल टाइप की होती है कुछ इंसेक्ट में छोटी है कुछ में बड़ी है विंग्स मैनी इंसेक्ट आर विंगलेशग्मिना रिड्यूस्ड हाइड विंग एंटीरियरली एनल एरिया मेम्रनस जो जो है 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 पीछे की तरफ, posterior जो है, वो membranous की तरफ वो प्रकार होती होती के होते हैं है. में मतलब छिपी हुई शॉर्ट अनसेगमेंटेड सर ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो ये स्टिक इंसेक्ट है और इसको ऐसा लगता है जैसे कोई अपने स्केल जो होती है फुट जो होती है फुट में एक एक सेंटीमीटर के जैसे सेगमेंट होते हैं तो उसी तरह इनके सेगमेंट को ऐसे लगता है जैसे कोई फुट हो जैसे स्केल के जैसी आ ये लीफ इंसेक्ट है इसमें आप देख रहे हो मिमिक्री अब ये इंसेक्ट है ये कोई प्लांट्स के पत्ते पे बैठा है लेकिन इसमें पंखों का जो शीरा विन्यास है वो ऐसा लगता है जैसे ये पत्तों की जैसी सिलाई हो तो मिमिक्री का ये बेस्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्थोपटेरा ऑर्थोपिटेरा में लोकस्ट क्रिकेट इनको शामिल किया गया है बॉडी इज माइन्यूट बॉडी फॉर्म इज वेरिएबल माउथ चिविंग टाइप के होते हैं ऑल ग्रेडेशन बिटवीन हाइपोग्नेथस हाइपोग का अर्थ क्या होता है जब हेड और थोरक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो ऑपिथोग का अर्थ है जब हेड और बॉडी है वो हेड है वो भीतर की तरफ इंक्लाइंट होता है यानी एक सौ डिग्री पे आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड होती है आ, कुछ से सेक्ट में ऑसिलाई जीरो होती है कुछ में दो होती है कुछ में आ, तीन भी पाई जाती है एंटीना वेरियस प्रकार की होती है फिली फॉर्म से लेके कई वैरायटी है एंटीना की लगभग लग 16-17 वैरायटी होती है तो अलग अलग वैरायटी की एंटीना जो होती है वो इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है विंग्स मोस्टली टू पेयर्स जोड़ी होते हैं अगर पंख है वो टेगमिना हार्ड होते हैं थोड़े पार्समेंट लाइक होते हैं लेदर लाइक होते हैं हैंडविंग फोल्डेड प्लीटेड लाइक लेग्स में हंडलिंग एडेप्टेड फॉर जंपिंग आ, इसलिए ये ऑर्थोप्टेरा के जो इंसेक्ट है इनकी पिछली जोड़ी जो टांगे होती है उनकी फीमर आकार में बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये जंप लगाते हैं और घरों में जो किसारी होती है आपने देखी होगी क्रिकेट जो होती है ये जंप लगाते हैं तीन से चार फीट तक एबडोम में फीमेल विथ वेल डेवलप्ड ऑय पोस्टर में ऑय पोस्टर वेल डेवलप्ड होता है सरसाई वेरिएबल प्रकार की होती है छोटी होती है लंबी होती है लॉन्ग क्लास्पर्स लाइक सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड ये इंसेक्ट जैसे दिखाए ये जैसे है ये हाउस क्रिकेट है ये ग्राइलो टाल जैसी दिखा है इसकी जो अगर जो टांगे देखे डिगिंग, डिगिंग टाइप की है मिट्टी में गड्ढे खोदने के लिए इनको डिगिंग लेग्स भी बोलते हैं कुछ वॉकिंग लेग्स हैं नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डरप्टेरा इस ऑर्डर में ईयर विग्स को शामिल किया है कुत्ते कानों में जो बुग होती है ईयर विग वो इस ऑर्डर के अंदर शामिल है बॉडी स्मॉल टू मीडियम रो इलांगेटेड माउथ पार्ड्स चिविंग टाइप के हैं आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड बट वेस्टिजियल इन सम केसेस, डोर्सल ओसिलई जनरली एबसेंट एंटीना लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक विंग्स फॉर विंग है वो छोटे होते हैं फॉरविंग शॉर्ट टेगमिना हाइंडविंग सेमी सर्कुलर पर्स जोड़ी पंख है वो अर्थवर्ताकार uh, होता है सेमी सर्कुलर होता है इनलेक्स टारसाई थ्री सेगमेंटेड एप्डोमन में चिमटी के अनसेगमेंटेड सरसाई इन मोस्ट स्पेसिज एपडोम नॉट कवर्ड बाई विपडमन होता है ये पंखों के द्वारा uh, घिरावर आवृत नहीं होता है ढका नहीं जाता है uh, ये आप पीछे देख रहे हो इसमें यह चिमटी के स्मान जैसे संडासी होती है अपने प्लास होता है उस तरह की ये uh, इसका एपडोम का जो लास्ट पार्ट है सरसाई यूज इन प्रे कैप्चरिंग सरसाई का जो मुख्य उपयोग है वो शिकार को पकड़ने में किया जाता है डिफेंस अपने बचाव में किया जाता है होल्डिंग द विंग्स पंखों को मोड़ने में किया जाता है एंड होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग के समय फीमेल को होल्ड करने में भी आ, इसका यूज होता है नेक्स्ट ऑर्डर इज ग्राइलोब्लेटोडिया इसके अंदर क्रिकेट कॉकरोच और आइस बक्स है वो शामिल है बॉडी संवाट इलांगेटेड एंड सिलेंड्रिकल मध्यम से बढ़िया आकार के होते हैं लाइट ब्राउन टू ग्रे कलर के होते हैं मुखांग मेडिबुलेट टाइप के होते हैं यानी काटने और चबाने वाले आइज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई रिड्यूस्ड होती है अथवा तो एबसेंट होती है ओसिलाई एब्सेंट है एंटीना फिलीफॉर्म प्रकार की होती है और एंटीना में 80 से 28 से लेके 50 सेगमेंट्स तक पाए जाते हैं विंग्स एबसेंट है ऑल रॉक क्रेलर चट्टानों के नीचे जो होते हैं पहाड़ी जो एरिया होते हैं चट्टानों के नीचे जनरली ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और चट्टानों के नीचे जो पाए मेंबर है वो जनरली पंख विहीन होते हैं बिकॉज दे आर रॉक कल और वहां पर पंखों की इतनी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है टांगे करसोलियल प्रकार की होती है करसोलियल यानी चिकनी सरफेस पे चलने के लिए टारसाई पांच सेगमेंट युक्त होती है एबडोम वेल डेवलप्ड स्वर्ड uh, सेप पोस्टर, ऑइ पोस्टर है वो स्वर्ड्स uh, के समान है सरसई आर्ट सेगमेंटेड होती है uh, ये फिगर आप देख रहे हो इस uh, ग्राइलो ब्लाइटोडिया ऑर्डर का जैसे इंसेक्ट है नेक्स्ट ऑर्डर इज आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा का था जिसमें पंख समान लंबाई के हों आइसो मीन इक्वल मीन इसमें व्हाइट आंट दिमक जो होती है वो इस ऑर्डर के अंदर सम्मिलित है बॉडी माइन्यू टू लार्ज माउथ पार्टी टाइप आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई इन ऑल विंग फॉर्म जितने भी सदस्य है उनके अंदर कंपाउंड आई पाई जाती है प्रजेंट और एबसेंट इन विंगलेस फॉर्म विंगलेस फॉर्म में कंपाउंड आई प्रजेंट भी हो सकती है एबसेंट भी हो सकती है ऑसिलाई जीरो है अथवा दो है एंटीना छोटी होती है मोनाली फॉर्म प्रकार की होती है या फॉर्म प्रकार की होती है विंग्स टू पेयर विच आर सिमिलर इन साइज प्रकार के होते हैं एंड सेट ये बेसल फ्रेक्चर लाइन और पंख जो होते हैं इनके झट जाते हैं बरसात के दिनों में जैसे देखा होगा बल्लभ के चारों तरफ ये टर्माइट्स इकट्ठी हो जाती है और उस दौरान इनके पंख जो होते हैं वो बॉडी के साथ सेट हो जाते हैं झट जाते हैं जन्नांग है वो या तो एबसेंट होते हैं या अल्प विक्सित होते हैं पेयर ऑफ शॉर्ट सरसाई ये फिगर आप देख लो ये टर्माइट का फिगर है इसमें वाइट आंट का और पंख जो है इसके बॉडी से लंबे होते हैं पंखों की दोनों जड़ी पंखों की लंबाई जो है वो लगभग बराबर होती है ये इसकी विशेषता है सफेद कलर के होते हैं इसलिए इसको व्हाइट आंठ का नाम दिया है और ये टर्मेटोरियम बनाती है टर्मेटोरियम इनका जमीन के नीचे भी होता है जमीन ब्लैटेरिया में भी कॉकरोच जो है वो ब्लाटा स्पीसी जो होती है इसकी ओरिएंटल कॉकरोच उनको इसमें शामिल किया है इज फ्लैटेंट जॉर्सोट्रोलिक कंप्रेस्ड स्माल टू लार्ज डार्क कलर्ट ट्रोपिकल स्पीसीज विथ मोर ब्राइट कलर ट्रॉपिकल क्षेत्रों की जो स्पीसीज है वो ज्यादा कह रहे होती है माउथ uh, पार्ट से मेडिबलेट प्रकार के होते हैं आईज एंड ओसिलाई कंपाउंड आई वेल डेवलप्ड होती है कुछ सदस्यों में दो ओसिलाई भी पाई जाती है एंड फेनेस्ट्री इन सम इन प्लेस ऑफ ओसिलाई कुछ इंसेक्ट में ओसिलाई के स्थान पर uh, छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनको फेनेस्ट्री uh, कहते हैं और ये फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर uh, होती है फोटो सेंसर है एक तरह के एंटीना लंबी और फिलिप फोर प्रकार की होती है विंग्स से फोर विंग है वो थोड़े चमड़े के समान होते हैं लेदर लाइक जिसको टैगमिना के नाम से जाना जाता है हाइड विंग जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस होते हैं एनल एरिया पंखों की जो होती है वो एलर्ज होती है बड़े आकार की होती है लेग्स से कर्सोरियल कर्सोरियल कर लो दौड़ने के लिए चिकनी सरफेस पे तेजी से दौड़ने के लिए आ, की बड़े कारकी होती है एबडोम में स्टाइला है, है एपडोम इसका लंबा होता है थोरक्स है वो थोड़ा कॉम्पेक्टिव टाइप का है आ, ये जो फिगर है ये ब्लाटा ओरियन का है ब्लाट ओरियंटेलिस जो कि ब्राउन कलर का होता है टेन कलर का होता है नेक्स्ट ऑर्डर इज मैंटोडिया इसके अंदर प्रेंग मैं इंसेक्ट है उनको शामिल किया गया इसको यहाँ स्थानीय भाषा में राम जी का घोड़ा भी जैसे कहते हैं कि इनकी जो अग्र टांगे है वो जैसे अपन हाथ जोड़ते हैं सुपर इम्पोज करते हैं उस तरह इनकी अग्र अग्र जो हाथ है वो इस तरह रहते हैं इसलिए इसको प्रेंग का नाम दिया कि ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बॉडी स्मॉल टू वेरी लार्ज बॉडी इलांगेटेड सिलेंड्रिकल प्रोथोरेक्स इज इलाटेड माउथ पार्ट्स मेडिबुलट प्रकार के होते हैं हाइपोगनेथस हाइपोगन होती है यानी हेड और थोरेक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका जो माउथ पार्ट है वो इस तरह झुका इस तरह, इस तरह हुआ तो हेड और थोरक्स के बीच में 90 डिग्री का जब एंगल हो तो यह अवस्था कहलाती है एंटीना लंबी और फिलीप होती है लंबी और फिलामेंट के समान विंग्स इन मेल पंख नर में उपस्थित होते हैं बट इन फीमेल फोर विंग्स आर विंग्सिना लाइक विद स्मॉल एनल एरिया विंग विद एनल एरिया पंख है वो बड़े होते हैं उनका एनल एरिया है वो बड़ा होता है लेग्स रेप्टोरियल प्रकार की होती है फोर विंग फोर लेग है वो रेप्टोरियल प्रकार के होते हैं फोर फिमोरा एंड टीबिया आर्म्ड विथ स्पाइंस अग्र टांगों की जो टीबिया होती है उसमें छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं स्पाइन पाए जाते हैं थोरेक्स में प्रोथोरक्स लंबा होता है जिसमें सिंपल टिम्पेनम भी होता है तो थोरेक्स इन में इंसेक्ट में लेटल साइड में स्पाइरिकल्स मिलते हैं और स्पाइरिकल है वो ट्रैकल सिस्टम की ओपनिंग होती है उनके अंदर टिम्पेनम होता है परजेंट होता है एबडोम शॉर्ट ऑंड मल्टी सेगमेंटेड सरसाई उधर छोटा होता है सरसाई मल्टी सेगमेंटेड होती है ये फिगर आप देख रहे हो प्रेंग मैं उसका रामजी का घोड़ा जिसको बोलते हैं इसके आगे वाले टांगे आप देख रहे हो भुजाएं। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ जोड़ रहे हो नेक्स्ट ऑर्डर इज जोरपटेरा जोरपटेरा में बॉडी छोटे आकार की होती है सॉफ्ट होती है माउथ पार्ट चीविंग प्रकार के होते हैं आईज एंड ऑसिलाई कंपाउंड आई एंडोर्सलाई इन विंग्ड फॉर्म पंखयुक्त जो प्रतिरूप है उसमें कंपाउंड आई और डॉर से पाई जाती है लेकिन विंगलेस फॉर्म में ये एंटीनागमेंटेड होती है एंटीना नाइन सेगमेंटेड होती होती है होती है मोलानी फॉर्म प्रकार की कुछ सदस्यों में फिली फॉर्म प्रकार की भी होती है पंख दो जोड़ी होते हैं मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं और विश्राम अवस्था में हेल्ड फ्लैट ओवर बॉडी ऑन रेस्ट फॉर विंग लार्जर देन हाइंड विंग इज रिड्यूस्ड एंड विंगलेस फॉर्म आर मोर कॉमन लेग्स में टू सेगमेंटेड साराई थिक हाइंड फिमोरा स्पाइन विथ इंथोर सिंगल टिम्पेनम, एबडोम छोटा होता है टेन सेगमेंटेड होता है सरसाई एक सेगमेंट वाली होती है ये इसका इंसेक्ट है जोरपटेर का नेक्स्ट ऑर्डर इज सोकोपटेरा सोकोप्टेरा में में बुकलाइस और बार्क लाइस किताबों के अंदर जो आ, इंसेक्ट होते हैं पेड़ पौधों की जो छाल के अंदर जो इंसेक्ट मिलते हैं वो इसके अंदर शामिल है बॉडीज़ माइन्यूट हेड कैप्सूल लार्ज कंपेर्ड टू रेस्ट बॉडी क्लाइपियस इज एंड लार्ज माउथ पार्ट्स चीविंग प्रकार के होते हैं लेबियल सिडेंट्स पाई जाती है आईज एंड ऑसिलई कंपाउंड आई स्ट्रॉन्ग और वीकली डेवलप्ड छत की तरह यह पूरी बॉडी को जैसे ढक लेते हैं फॉर्मिंग लार्जर देन हाइट अग्रपंख है वो पर्स पंख की तुलना में आ, आकार में बड़े होते हैं लेग्स में टू और थ्री सेगमेंटेड टारसाई थोरेक्स में प्रोथोरेक्स है वो लंबा होता है एबडोमन में और पोस्टर बड़े होते हैं कंसील्ड होते हैं यानी छिपे होते हैं सरसाई लैकिंग सरसाई एब्सेंट होती है आ, ये जैसे बुकलाइस का फिगर है ये बार्कलाइस तो पेड़ों की जो छाल होती है आ, उसके अंदर ये इंसेक्ट मिलते हैं इनमें भी कैमोफ्लेस पाया जाता है बहुत जबरदस्त नेक्स्ट ऑर्डर इज मेलोफेगा इस ऑर्डर में चिविंग लाइस है उनको इंक्लूड किया गया है बॉडी इज माइन्यूट टू स्मॉल हेड ब्रॉडर देन थोरेक्स माउथ पार्ट्स चिविंग टाइप के होते हैं आईज एंड ऑसिलाई रिड्यूस्ड कंपाउंड आई डोर्सल ऑसिलाई एब्सेंट, एंटीना में तीन से पांच सेगमेंट पाए जाते हैं कैपिटेट प्रकार की होती है फिलीफोन प्रकार की होती है और हेड के नीचे छिपी रहती है कंसेल्ड बिलो द हेड विंग्स एबसेंट होते हैं लेग्स में टारसाई मॉडिफाइड फॉर ग्रास्पिंग द हेयर तो है वो बालों को पकड़ने के लिए हैं, उनके लटकने के लिए मॉडिफाई हो जाती है टारसाई एक अथवा दो सेगमेंट वाली होती है थोरेक्स छोटा तथा संक्रह होता है एप्डोमन में सरसाई जो है एबसेंट होती है आ, ये एक फिगर है चीविंग लाइस का इसमें आप देख छोटा है थोरक्स बहुत छोटा है एपडोम है ये एकदम ओवॉइडल शेप होता है इसके अंदर नेक्स्ट ऑर्डर इज एंडोप्लूरा इसके अंदर सकिंग लाइस को इंक्लूड किया गया है बॉडी माइन्यूट टू स्मॉल साइज हेड देन थोरेक्स माउथ पार्ट से पर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं यानी भेदने वाले चूसने वाले ये बॉडी को पंक्चर करते हैं और uh, फिर उसमें से फ्लूड जो होते ये हैं ये चूसते हैं रिटेक्टेड इन डो हैड नॉन फीडिंग

बालों को पकड़ने के लिए है उनसे अटैचमेंट के लिए मोडिफाई हो जाती है थोरक्स छोटा है और थोड़ा चौड़ा होता है एबडोम में सरसाई अनुपस्थित होती है ये सकिंग का फिगर है इसमें नेक्स्ट ऑर्डर इज थाइसेनोप्टेरा। इस ऑर्डर में थ्रिप्स को शामिल किया गया है। इनकी बॉडी माइन्यूट टू स्मॉल साइज एड शंकुरूपी होता है क्रॉनिकल गहरे रंग का होता है डार्क कलर माउथ पार्ट्स सकिंग टाइप के होते हैं आ, राइट मैंडिबल वो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है आईज एंड ऑसिलाई रिड्यूस्ड कंपाउंड आई छोटे आकार की होती है पंख युक्त प्रतिरोपों में डॉसल ऑसिलाई पाई जाती है विंगलेस फॉर्म में ये एबसेंट होती है एंटीना छोटी और 6 से 10 सेगमेंट युक्त होती है विंग्स दो जोड़ी सक्रिय होते हैं विथ फ्रिंज ऑफ हेयर्स जिसमें सूक्ष्म रोमों की झालर पाई जाती है एंड कपल्ड बाई बैसल हुक बैसल हुक है ये एक तरह की विंग कपलिंग एपरेटस होती है uh, वो इनको होल्ड करने के अंदर uh, काम में आती है टांगों में एक से दो सेगमेंट वाली तारसाई पाई जाती है विच आर ब्लेडर लाइक -like ए टिप तो ये जो टांगे हैं ये टिप के ऊपर ब्लेडर के समान चौड़ी हो जाती है थोड़े शॉर्ट एंड समाइट एबडोम में सरसाई अनुपस्थित है ये फिगर आप देख रहे हो थ्रिप्स का फिगर है नेक्स्ट ऑर्डर इज हेमिप्टेरा हेमिप्टेरा में बग्स को इंक्लूड किया गया ट्रू बग्स जो होती है बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज माउथ पर्सिंग एंड सकिंग टाइप अराइज फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड आइज एंड ओसिलाई वेल डेवलप्ड कंपाउंड आई होती है ओसिलाई दो होती है अथवा एबसेंट होती है एंटीना कंपेटिवली लॉन्गर होती है और एंटीना के अंदर चौसठ चार अथवा पांच सेगमेंट पाए जाते हैं पर हो गया है फोर और फाइव सेगमेंटेड पंख दो जोड़ी होते हैं हेल्ड हॉरिजेंटली टाइप के हैमी इन पंखों का आधा भाग है वो तो एपारदर्शी होगा आधा भाग जो होता है वो अपारदर्शी होता है ब्रेकाइपेरिश कुछ इंसेक्ट में छोटे आकार का भी होता है एंड सब में उसमें यह पंख विहीन भी होता है टू और थ्री सेगमेंटेड टारसाई एंड वेरिएबल टाइप थोड़ा छोटा और थोड़ा चौड़ा होता है एप्डोमन में सरसाई उपस्थित होती है ये पोस्टर है इसमें आप देखें विभिन्न प्रकार की बक्स जैसे दिखाई है इसमें जैसे बॉक्सिल्डर बग है ये फोर लाइन प्लांट बग है एम्बूश बग है ये स्मॉल मिल्कविट बग है साउथ ग्रीन स्टिंक बग है ये कॉटन बग्स हैं तो बग्स से जो है ये आ, हजारों की संख्या में होती है इनका ब्यूटीफुल कलरेशन होता है डोरसल सरफेस का नेक्स्ट ऑर्डर इज होम ऑफ इक्वल इसके अंदर एफिड्स और लीफ हॉपर्स को इंक्लूड किया गया है बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज एंड वेरिएबल माउथ पार्ट्स पर्सिंग और सकिंग टाइप के होते हैं क्योंकि जनरली फाइटोफेगस इंसेक्ट है और प्लांट्स के जाइलम में अपने मेडिबल्स को इंजेक्ट करके उसमें जो मिनरल वाटर होता है पोषक पदार्थ होते हैं उनको ये चूसते हैं लेवल थराइज मोर पोस्टीरियर एंड जनरली प्रजेंट होती है ओसिलाई दो अथवा तीन होती है एंटीना फिलीफॉर्म होती है अथवा नुकीले कांटे के समान ब्रिशल होती है पंख दो जोड़ी होते हैं यूनिफॉर्म टेक्सचर में होते हैं हेल्ड एबसेंट इन अंदर पंख जो है वो अनुपस्थित भी है, है. तीन सेगमेंट वाली होती है थोरेक्स ब्रॉड विथ हाइट। थोरेक्स चौड़ा होता है लेकिन थोरेक्स की जो ऊंचाई है वो कम होती है और एबडोमन इलांगेटेड होता है एप्डोमन में सरसाई जो है वो अनुपस्थित होती है इसके अंदर एफिड्स एफिड एफेट की लाइफ साइकिल भी आपके कोर्स में है इसमें भी आ, मैं आपको व्याख्यान दूंगा आ, ये लीफ हैं, तो पेड़ों की जो पत्तियां होती है हरे रंग की होती है आ, इनमें भी कैमोफ्लेज जो होता है ये पाई जाता है तो इस तरह इस एक्सो टेरिकोट के अंदर कुल 18 जो ऑर्डर हैं और हर ऑर्डर के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो आ, मैंने आपसे शेयर किए हैं हर ऑर्डर के एक एक दो एग्जाम्पल विथ फोटोग्राफ्स आपसे मैंने शेयर किए हैं अब एक्जोटेरिकॉट के बाद में इसका सेकेंड जो सब डिविजन जो है वो आएगा एंटोटेरिकॉट्स अपना जो नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा अगला व्याख्यान होगा वो एंटोटेरिकॉट्स में होगा तो एमएससी के जोलॉजी के जो स्टूडेंट्स जिनके स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी है वो इस व्याख्यान को ध्यान से सुने और चाहे तो अपने लैपटॉप में मोबाइल में इस प्रिंट को आप डाउनलोड कर लें प्रिंट निकाल लें और एग्जाम ओरिएंटेड ये पीपीटी मैंने बनाया है जो समझने की दृष्टि से याद रखने की दृष्टि से बहुत ही सिंपल है फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो कोई पैरी हो तो आप कोच मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं इन वीडियोज़ को हम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रहे हैं वहाँ भी आप इन वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये नॉलेज का जो है ये पॉपुलरेशन है नॉलेज है ये आ, बच्चों के मध्य फैलना चाहिए तो हमारा यही मकसद है और एक बार मैं जोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे लोया कॉलेज की तरफ से जोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक uh, धन्यवाद देता हूँ हैव ए गुड डे हैव ए ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच